अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसकी वजह ये थी कि हम नए नए थर्ड ईयर में प्रमोट हुए सब, तो ज़्यादातर हम बिजी इसलिए रहते क्योंकि आज कल अटेंडेंस का इशू है, कॉलेज जाए कभी कभी हॉस्पिटल, तो टाइम ही नहीं मिलता, ना कोई घूमने का टाइम मिले ना किधर जाने का टाइम मिले, बस कॉलेज रूम। तो आज हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन है, मे बी आप जानते भी होंगे उनको, यूथ क्लब के मेंबर्स हैं सारे, मैं एक सीईओ है, बाकी उनकी पूरी टीम आज आ रही है हमारे कॉलेज। तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी मिलाएंगे उनको, आपका भी ईमान ताज़ा हो, हमारा भी हो जाए। तो अभी जाते हैं इंशाल्लाह कॉलेज, पहले तो जाएंगे नाश्ते क्योंकि अभी इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे, थोड़ा लेट में इसलिए हो गया, बाकी यहाँ पर कॉलेज लेट खुलते हैं मतलब 9 बजे, क्योंकि जिस जगह पर मैं हुआ सर्दी है ना, अभी तो खैर नहीं है इतनी, लेकिन वैसे सर्दी तो ज़्यादा होती है तो इनका टाइमिंग चेंज है कॉलेज और स्कूल जितने भी होते। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम सीधा जाएंगे कॉलेज। तो चले आप हमारे साथ इंजॉय करें। तो अभी हम नाश्ते के लिए आ गई है मेरा दोस्त सिराज, तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। वो सामने आपको मैं बता दूं, वो क्वेटा कैफे आपको नज़र आ रहा होगा, वो न्यू क्वेटा कैफे। इसलिए हम गाड़ी में बैठे क्योंकि सुबह का टाइम है, ऊपर बहुत ज़्यादा रश होती है क्योंकि लोग सारे करीब के हैं ना बाज़ार में, तो ऑफिसेस के ये बैंक कॉलेज सारे स्टूडेंट इधर आके नाश्ते के लिए आते हैं। तो हमने अपने लिए गाड़ी में कप चाय मंगवाई क्योंकि सुबह और कुछ खाना नहीं होता, तो सिर्फ चाय पी के फिर चलते कॉलेज। तो ये आ गई हमारी चाय, ये बेचारा चाय नहीं पी सकता क्योंकि उसको कोई डॉक्टर ने शायद मना किया हो कि अल्सर तो नहीं हुआ तुझे तो अभी हम पीते अपनी चाय, दूध पत्ती चाय देखे, तो अभी हम चाय पी रहे, तो फिर इसके बाद हमने जाना है कॉलेज क्योंकि सुबह चाय पीनी चाहिए यार, हमारा जो सिस्टम है वो चाय के बगैर चलते ही नहीं, चाय ना पियो। तो चाय पीने के बाद इंशाल्लाह जाएंगे कॉलेज, आगे आपको दिखाएंगे हम उधर क्या चल रहा है। मुझे खुद अभी तक गया नहीं, ना किसी से पूछे, तो मुझे लगता है कि सीन अच्छा है उधर, तो जाके फिर आपको बताते। तो तब तक के लिए हम चाय पीते, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे कॉलेज में। पुनिच मेडिकल कॉलेज इस वक्त आप देख सकते हैं। भाई अभी इस वक्त सभी का एग्जाम दे के
कैसे हो सकता है? सही हुआ और हमने इसको हमने इस वॉशरूम में पकड़ा है, बाकी इसको टिश्यू टिश्यू दो यार, मुंह साफ करें। चलो इंशाल्लाह आप सब दुआ करें इसके लिए यार, ये पास हो जाए। पेपर कैसे हुए? सही हुआ, सही हुआ। चलो इंशाल्लाह पास हो गए। उनके पेपर्स थे आज सप्ली के, तो अभी हो गए। हम वापस अभी जाते हैं अपने द जर्नी थ्रू ईमान की तरफ। आ जा वक्त। हम वापस आ गए हॉल में, पीछे आप देख रहे हैं स्टूडेंट अभी तक नहीं आए। हम शुक्र है जल्दी पहुंच गए और वो सामने तैयारी हो रही है, वो आप देख सकते हो। ये एक बंद, ये तो एक आ गया स्पीकर, इनका नाम है क्या? मोहम्मद, इनका नाम है मोहम्मद खान मिन्हास। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर डांटने वाले अफराद अभी जिंदा रखे हुए। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है कि हमसे कोई गलती हो और हमें ऊपर कोई बैठा हो जो हमें उस गलती के ऊपर डांटे, क्योंकि ये उसकी मोहब्बत है जो हमारे लिए उसने इजहार किया। अजनबी लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जिसके दिल में मोहब्बत और तड़प होती है वही अपने उन अफराद की इस्लाह के लिए उनको उसकी निशानदेही करता। एक चैलेंज पे बात करूंगा जो सबसे अहम चैलेंज है, और वो है प्यार में नाकामी। तो ये मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों में मैं जाता हूँ तो वहां पे ये एक मुस्तकिल टॉपिक है, और ऐसा टॉपिक है जिसको आज हमारे सोशल मीडिया के दौर में और बाकी सारे जो चीजें हमारे पास चैनल अवेलेबल है उसके जरिए ये बहुत ज्यादा बढ़ गया मसला। पुराने वक्तों में ऐसा नहीं था, पुराने वक्तों में फिर जरा हालात कुछ कंट्रोल में थे, खासतौर पर जब वो दूसरे फोन होते थे जो लैंडलाइन फोन होते हैं उसके ऊपर ये चीजें करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब आप एक तरफ से नंबर डायल कर रहे हैं तो उधर से अब्बा जान फोन उठा सकते थे और इधर से ये किस माँ से बात कर रहे हो तुम, तो वो आपसे फिर फोन बंद करवा देते। लेकिन अभी जो है सिचुएशन जरा बदल गई है, क्योंकि एक ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं और जिस तरह टेक्नोलॉजी फैली है उस तरह से और चीजें भी जो है ना हमारे चीजें काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि हमने जो बचपन से प्यार मोहब्बत के बारे में तालीमात हासिल की है वो कहाँ से हासिल की है। उसमें मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जो सोर्स है, अच्छा पहली बात यह कि जो मर्द और औरत चूंकि मुख्तलिफ है इसी तरह से इनका जो प्यार और मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा मुख्तलिफ है। सो मिसाल के तौर पर जब आप बात करते हैं किसी हर लड़की जो है उसके दिमाग में कोई प्रिंस चार्मिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा वो जो प्रिंस चार्मिंग है उसकी भी कुछ अब मसला ये है कि मार्केट में प्रिंस चार्मिंग शॉर्ट है, क्योंकि असल अगर आप रॉयल्टी की बात करें जो एक्चुअली शाही खानदान से आ रहे हैं तो वो तो शायद एक हाथ पे गिने जा सकते हैं, और उसमें भी अगर आप देखें कि ज्यादातर जो है जो शाही खानदान वाले भी हैं वो 60 साल की उम्र से ऊपर है और उनके नाम से पहले शेख लगता है, तो इसलिए जुड़ता मुश्किल है। तो हमारी जो बहनें उन्होंने क्या मैकेनिज्म डिवाइस किया कि उन्होंने कहा चलो अगर वो प्रिंस चार्मिंग नहीं मिल सकता तो प्रिंस चार्मिंग की ज्यादा से ज्यादा खसूसियात वाला अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। अब खसूसियात क्या है, मैं जहां पर भी जाता हूँ नॉर्मली मैं इंटरेक्टिव रखता हूँ लोगों से पूछ भी ले सकता, तो आमतौर पर खवातीन की तरफ से बहुत लंबी लिस्ट आती है उन खसूसियात की, कि लॉयल भी हो, केयरिंग हो, लविंग हो, बहुत स्मार्ट भी हो, हैंडसम हो, फलां हो, पैसा हो, दौलत हो, चाहे वो प्रिंस चार्मिंग है, बगैर पैसे के तो प्रिंस बन नहीं सकता। तो ये सारी की सारी बड़ी तवील एक लिस्ट आती है, और उस लिस्ट को शायद यूँ समझ किया जा सकता है कि शक्ल सूरत जो है वो
किसी हॉलीवुड के एक्टर जैसी हो और फिजिकल बॉडी जो है वो भी किसी जो ना बंदा जो जिम जाता है उस जैसी हो और उसके पास जबरदस्ती गाड़ी हो, बंगला हो और उसकी मां ना हो। शायद हमने पढ़ी हो, सुनी हो, देखी हो लिटिल मरमेंट। नहीं, मरमेंट क्या होती है? वो आदि जो है उसका धड़ जो है वो मछली का होता है, ऊपर से वो इंसानों वाला जिस्म होता है। तो वो समंदर के अंदर तैरती होती है, तो उसकी समंदर के साहिल के किनारे पे उसको एक शहजादा नजर आता है, उसको उससे प्यार हो जाता है। अब वो जाके अपनी एक और बिच होती है, उसके पास जाती है। अब इन कहानियों में देखें बिच का किरदार जो है वो बार बार आता है, जो जिंदगी में सास का रूप इख्तियार कर लेता है। तो वो उस बिच के पास जाती है और कहती है कि मैं जो है चाहती हूँ कि आप मेरे पे कोई जादू टोना करें कि मेरा जिस्म जो है वो पूरा इंसान वाला हो जाए, ताकि मैं उस शहजादे से जाके मिल सकूँ। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे पे कोई ऐसा मंत्र पढ़ती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, तुम्हारा जिस्म तो इंसान वाला हो जाएगा लेकिन तुम्हारी आवाज चली जाएगी। और उसकी आवाज बहुत खूबसूरत होती है, वो बहुत अच्छा गुनगुना लेती है, गा लेती है। तो कहती है ठीक है, मुझे ये मंजूर है कि मेरी आवाज बंद हो जाए लेकिन मेरा जिस्म इंसान वाला हो जाए। तो वो कुछ उपाय करती है, मंत्र पढ़ती है, उसका जिस्म इंसान वाला होता है लेकिन आवाज उसकी चली जाती है, भूखी हो जाती है। और वो किनारे पर जाती है और उसको प्यार हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। अब लिटिल मरमेड का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एज लॉन्ग एज आपकी शक्ल अच्छी है, अगर आप ना भी बोले तो आपको प्रिंस चार्मिंग मिल जाएगा, बल्कि अगर आप ना बोले तो शायद प्रिंस चार्मिंग जल्दी मिल जाएगा। तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। फिर आगे आप सिंड्रेला की स्टोरी पे आ जाए। सिंड्रेला की स्टोरी भी सुनी होगी आपको। उसमें एक मलका होती है जो बड़ी खूबसूरत होती है लेकिन होती बड़ी चुड़ैल है। तो वो मलका जो है वो उसका एक शीशा होता है, एक मैजिक मिरर होता है, जिसमें वो अपनी शक्ल देखती है। सॉरी, स्नो वाइट, स्नो वाइट। मैं कभी स्टोरी सिंधु कहता हूँ। अच्छा, सो जो आपकी स्नो वाइट है उसमें जो है वो मैजिक मिरर होता है उसके पास, और वो क्या करती है कि वो उसमें अपनी अपनी शक्ल रोज देखती है और कहती है मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द व्हाट मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द ऑल। अच्छा, इंटेलिजेंस की बात ही नहीं, शक्ल की बात। तो कहती है हु इज द फेयरेस्ट ऑफ द ऑल। तो हर रोज वो मिरर कहता है इट्स यू, इट्स यू, इट्स यू। एक दिन मिरर कहता है नहीं, इट्स नॉट यू, एक्चुअली इट्स स्नो वाइट। तो जिस पे वो मलका जो है वो कहती है कि अल्लाह उसको जजाए खैर दे, उसके बच्चे जिए, उसको लंबी उम्र अता फरमाए, ऐसे कहती है। वो कहती है आई विल किल हर, यानी कि जब उसको ये पता चलता है कि मेरे से ज्यादा हसीनो जमील कोई पैदा हो गई है, तो वो जेलसी इतनी ज्यादा, जेलसी की आग भड़कती है कि वो कहती है मैं इसको पॉइजन एप्पल दूंगी ताकि ये मर जाए, दुनिया से खत्म हो जाए। अब देखिए इससे क्या सबक मिल रहा है, हम क्या सिखा रहे हैं। सिखा ये रहे हैं कि औरत की जो वर्थ है वो उसकी शक्ल है, उसकी फिजिकल ब्यूटी है, और अगर वो फिजिकल ब्यूटी में कोई और उससे ऊपर निकल रहा है तो यहां पे कंपटीशन बनता है, वरना कोई कंपटीशन नहीं। किरदार में कंपटीशन नहीं है, अखलाक में नहीं है, एमबीबीएस की डिग्री में नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है सिवाय शक्ल में। शक्ल है तो गुड, अदरवाइज यू आर वर्थलेस। द फार्मासिस्ट एंड द बीस्ट, द डॉक्टर एंड द बीस्ट, the engineer and the beast, the teacher and the beast, it's beauty and the beast. अच्छा, ये कहानी मुझे बचपन में समझ नहीं आई, तो मैं जब अपने कॉलेज के जमाने में था, मैं मेरा वो दौरे जाहिलियत है, ठीक है, मैं उसको जमाना जाहिलियत भी कहता हूँ और उनको प्यार से अपने जे डेज भी कहता हूँ, जाहिली डेज, ठीक है, बहुत प्यार आ रहा है तो मैं उनको जेज भी कहता हूँ, जेज, कि मेरे जेज का वाक्य है, तो ये मेरे जेज का वाक्य, ठीक है, तो मुझे जज नहीं करना। तो मैं अपने कॉलेज के बाद था, तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, तो सामने से एक मर्सिडीज गुजरी, बड़ी खूबसूरत आलीशान एस क्लास मर्सिडीज, लश पड़। तो उसमें जो साहब गाड़ी चला रहे थे वो बहुत हेल्दी से गंजे, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, और साथ उनकी जो खातून बैठी हुई थी वो इंतहाई मुनासिब थी। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा यार ये तो फिजिक्स के लॉज को भी डिफाई कर रहा है, हाउ हाउ डिड अ गर्ल लाइक दिस एंड अप विद अ गाय लाइक दिस। कहते यार तूने ब्यूटी एंड द बीस्ट नहीं पढ़ी, मैंने कहा पढ़ी तो इसका क्या ताल्लुक है। कहते हैं उसका ताल्लुक ये है कि एज लॉन्ग एज यू आर रिच, इवन इफ यू आर अ बीस्ट, यू विल फाइंड द ब्यूटी यू आर लुकिंग फॉर, हैशटैग गोल्ड डिगर्स। अब मसला क्या, मसला ये कि हमारे यानी बचपन से आज हमारा जो प्यार के बारे में तसव्वुर बना हुआ है, उस तसव्वुर के पीछे वो तमाम स्टोरीज हैं जो हमने बचपन में पढ़ी हैं, और ये बचपन में स्टोरी हमने एक दफा नहीं पढ़ी, हमने बार बार पढ़ी, बार बार पढ़ी, बार बार पढ़ी, हमें कॉन्स्टेंटली बताया गया है
शक्ल अच्छी होनी चाहिए, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, शक्ल अच्छी होनी चाहिए। और फिर यही चीज जब बच्चियों की बात हम करते हैं, छोटी बच्चियां, पांच बच्ची है, पांच छह साल की, वो डॉल से खेलती है, और जब बड़ी उम्र में वो जब 13-14 की होती है, अब वो जारी बात है वो मिनी स्कर्ट पहन के तो नहीं घूमेगी, लेकिन हो सकता है कि वो टाइट्स पहनना शुरू कर दे, कपड़े उसके तंग हो जाए, क्योंकि उसकी जो रोल मॉडल्स हैं वो उम्मतुल मोमिनीन नहीं है, वो सहाबियात नहीं है, वो हमारी उम्मत की वो खवातीन नहीं है जो बाहयात थी, उसकी रोल मॉडल्स बारबी और ब्रैट्स और स्लीपिंग ब्यूटी और सिंड्रेला और स्नो वाइट। अब वो अपने आप को उन्हीं के साथ रिलेट करती है, उन्हीं के साथ एसोसिएट करती है, और उसको हम लोगों ने इफेक्टिवली ये बात समझा दी है कि तुम्हारा हुसन ही सब कुछ है, उसके अलावा तुम्हारी औरत होने के नाते कोई वैल्यू वर्थ नहीं। आजकल इवन अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं, आप अगर मीडिया में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो जर्नलिस्ट बनने के लिए आपकी शक्ल प्राइमरी जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, और जर्नलिस्टिक टैलेंट्स आपके सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है। अगर एक लड़की खूबसूरत है वो उसको जर्नलिस्ट बना देंगे, लेकिन अगर कोई पुलिस्टर प्राइज भी जीत के आई है ना जर्नलिज्म में और शक्ल अच्छी नहीं है, भाई आपका कुछ नहीं करना, निकले यहां से। ये सूरत हाल मैं तो जाता हूँ टीवी चैनल पर, मेरी बातचीत भी होती है, मैं बैकग्राउंड स्टोरी भी पूछता हूँ, सब कुछ बचाता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ इन साइड खबर बता रहा हूँ कि ये लोग हायर किस बेस पे करते हैं, शक्ल की बेस पे करते हैं। तो हमने अपनी बच्चियों का ना ये बता दिया हुआ है कि आपकी शक्ल सब कुछ है, और इस वक्त जो आपकी ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है उसने लुट मचाई हुई है लिटरली, क्योंकि वो पहले जो फैशन मैगजीन्स होती हैं दे फर्स्ट ऑफ ऑल मेक यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ एंड देन दे टेल यू बाय द वे ये प्रोडक्ट खरीदो, फाइजर ब्यूटी क्रीम लगाओ अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। क्या आप अपनी डैंड्रफ से परेशान हैं? क्या आप इस बात से परेशान हैं कि वो जब रिश्ता देखने के लिए आएंगे तो आपके कंधे पर डैंड्रफ होगी? तो आइए ये हेड एंड शोल्डर का इस्तेमाल करें। ये मार्केटिंग कैंपेन्स हैं। इन्होंने अमेरिका में क्या किया, दो लड़कियों के ग्रुप्स लिए, एक को एक महीने की सब्सक्रिप्शन लगा दी, सॉरी एक साल की कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन की जो फैशन मैगजीन है लड़कियों का, एक को लगा दी एक साल की नेशनल ज्योग्राफी की सब्सक्रिप्शन, एक साल 200 लड़कियों का यहां ग्रुप लिया, 200 का यहां ग्रुप लिया, इनको महीने में एक को फैशन मैगजीन आ रहा है, मेकअप मैगजीन आ रहा है, एक को जो है कॉन्स्टेंटली नेशनल ज्योग्राफिक एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, दुनिया के बारे में सीख रहे। एक साल के बाद इन्होंने इनकी हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजर किया, कौन हैप्पी था और कौन सैड था, नेशनल ज्योग्राफिक वाले चिल थे, रिलैक्स थे, जंगली जानवरों के बारे में और मुल्कों के बारे में खबरें पढ़ते रहे, कोई टेंशन नहीं अपने बारे में, और जो फैशन मैगजीन देख रहे थे उनको अपने आप से नफरत हो गई कि ये तो जो मॉडल्स हम देख रहे हैं ये तो हम है ही नहीं, हम तो इसके मुकाबले के ही नहीं है। हम चाय पी रहे तो फिर इसके बाद हमने जाने के